डैंड्रफ बढ़ता ही जा रहा है या ठीक होता है फिर आ जाता है और इसका सलूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है। जब ओवरऑल आपकी स्किन ड्राई होने लग जाए और वो झड़ना शुरू हो जाए थिन फ्लेकिंग की फॉर्म में, तो वो सिबोरिक डर्माटाइटिस बन जाती है। और स्पेशली डैंड्रफ बढ़ता ही जा रहा है या ठीक होता है फिर आ जाता है और इसका सलूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स चेंज कर लिए या बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, बट ये जा ही नहीं रहा है, ये आता जाता रहता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपके लिए कुछ सोल्यूशन लाई हूँ डैंड्रफ को लेकर। लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डैंड्रफ है क्या। बेसिकली डैंड्रफ एक नॉर्मल डैंड्रफ होता है, और एक डैंड्रफ जब क्लिनिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम सिबोरिक डर्माटाइटिस बोलते हैं। जब ओवरऑल आपकी स्किन ड्राई होने लग जाए और वो झड़ना शुरू हो जाए थिन फ्लेकिंग की फॉर्म में, तो वो सिबोरिक डर्माटाइटिस बन जाती है। और स्पेशली जब एरिया आपका स्कैल्प है, बियर्ड है या मुस्टैचेस हैं या चेस्ट के हेयर हैं, वहीं तक वो सीमित होती है। अब डैंड्रफ जब बन रहा है और ये क्लिनिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऐसे में आपको ऐसी चीज़ चाहिए जो ड्राइनेस को कंट्रोल करे और फ्लेकिंग को रिड्यूस करे। और जो ये फ्लेकिंग हो रही है या वाइट स्किन झड़ रही है या डैंड्रफ भी झड़ रहा है शोल्डर्स पे या कपड़ों पे दिख रहा है, या आप कॉम कर रहे हैं तो आपके उसमें आ रहा है, कॉम में आ रहा है करते हुए, तो वो एक सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेड स्किन होती है कि आपका स्कैल्प इतना डेड स्किन प्रोड्यूस कर रहा है कि वो क्लीन नहीं हो पा रहा है और वो क्लीन होने की जगह वो झड़ रहा है, इसलिए आपको हर जगह डैंड्रफ दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल कुछ चल रहा हो कि पोल्यूशन ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, आप हेल्दी खा नहीं रहे हैं, या फिर आप इतना केयर नहीं कर पा रहे हैं बालों का इसलिए ये पैदा हो रहा है, या साथ साथ हो सकता है कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही हो जिसके चलते आपकी ड्राई स्किन प्रोड्यूस हो रही हो, या आप अपना हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपको ज़रूरत होती है कि आप एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करके चलें, और अगर एक्सपोजर ज़्यादा है टूवर्ड्स पोल्यूशन और केमिकल्स तो उसको आप रिड्यूस करें, या अपने स्कैल्प को कवर करके या आप ट्रैवल करें या एक्सपोजर कम दें, और अपना ईटिंग हैबिट्स आप अच्छे रखें, और साथ ही साथ कोई मेडिकल डिसऑर्डर जैसे थायराइड है या फिर PCOD है या आयरन कम है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही है, तो उनको आप पूरा करें ताकि ये बार बार रिलैप्स ना हो। और सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि डैंड्रफ झड़ता है तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शैटर होता है, लेकिन ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती। इससे अपने का कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम इनसाइड, आपका अंदर नॉलेज है। अगर अंदर आपके बिहेवियर अच्छे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, तो इसको आप साइड रख सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा केयर नहीं कर पा रहे हैं बालों की, तो मैं आज सोल्यूशन आपको दूंगी। जो ये हमारा स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम है, ये एंटी डैंड्रफ सीरम है, इसको आपको शैम्पू से कुछ घंटे पहले यूज़ करना है, स्कैल्प पे लगा के छोड़ देना है। ये आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट करेगा, मींस जो डेड स्किन रिमूव नहीं हो रही है, क्लीन नहीं हो रही है, उसको ये रिमूव करेगा। और जो जितना भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है सेल्स का, स्किन सेल्स का, जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तेज़ी से डेड स्किन बना रहे हैं, उसको कंट्रोल करेगा। और जब स्कैल्प क्लीन रहेगा तो वो कम झड़ेगा, तो फ्लेकीनेस कंट्रोल हो जाएगी, ड्राइनेस कंट्रोल हो जाएगी। और आपको ये सीरम यूज़ करने के साथ साथ जब आप ऑयल भी यूज़ करेंगे, एंटी डैंड्रफ ऑयल, तो आपका जो डैंड्रफ है वो बार बार रिलैप्स नहीं होगा, और आपकी ये जो प्रॉब्लम आती है जाती है वो शायद कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन साथ में जैसा मैंने बताया, आप अच्छा खाना मेंटेन करेंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, और कोई मेडिकल डिसऑर्डर अगर साथ चल रहा है विद द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उसको पूरा करेंगे। अगर आप ऐसे अपना प्लान ऑफ ट्रीटमेंट खुद से प्लान करते हैं और खुद के लिए आप ये चीज़ें करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि जो आपका डैंड्रफ है वो आएगा जाएगा नहीं। और वैसे भी सीजनल डैंड्रफ इज सो कॉमन, मुझे भी किसी ना किसी सीजन में थोड़ा बहुत डैंड्रफ बनता ही है, दिस इज सो नॉर्मल, क्योंकि स्किन ड्राई होती है, बट हम उसको रोक सकते हैं। तो हाइड्रेशन बरकरार रखनी है और स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम से अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट करना है, डेड स्किन को हटाना है, ताकि आपको और ज़्यादा किसी महंगे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ना पड़े या और कंसल्टेशंस की ज़रूरत ना पड़े, और आपकी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल जाए। और भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और मुझे यूज़ करके बता सकते हैं कि क्या हमने आपके लिए वर्थ इट चीज़ निकाली है या नहीं निकाली है। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ब्यूटिफुल।